दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पामतस सहित दून में आजकल धान की रोपाई जोरों पर है। हालांकि गत वर्ष की तुलना में इस बार हिमाचल में मॉनसून देरी से आ रहा है, लेकिन रोपाई में देरी होने के चलते किसानों ने भूजल से पानी की व्यवस्था कर रोपाई शुरू कर दी है। बता दें कि दून के मानपुर, देवड़ा, नवादा, मुगलवाला, करतारपुर, शिवपुर, अजौली, गुलाबगढ़, अजीवाला, कोटड़ी, व्यास आदि पंचायतों में आजकल किसान धान की रोपाई कार्य जोरों पर चल रहा है। किसानों का कहना है कि अब पामता साहिब की लगभग सभी पंचायतों में किसानों ने बोर करवाए हुए हैं, जिससे समय पर भूजल उपलब्ध हो जाता है। जिनके पास बोर नहीं है वो बड़े किसानों से पानी लेकर अपनी फसल लगा रहे हैं। धान की रोपाई तो शुरू कर दी है, लेकिन थोड़ा बारिश का भी पड़ा है इसमें कुछ असर। वैसे तो इधर उधर से ही करके बोर वगैरह से किया है शुरू। अब एक दूसरे को देख के सभी लोग धान की रोपाई में लग गए हैं। अब कौन सी वैरायटी लगाते हैं आप धान की? हमारे यहाँ ज़्यादातर 64-44 को ही ज़्यादा लगाते हैं, और इसका थोड़ा उत्पादन सही है, एवरेज जरा थोड़ा अच्छा निकल जाता है इससे, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी को लगाते हैं। तो यहाँ पे धान की जो है वो मंडी नहीं है, खरीद नहीं होती, तो कहाँ ले जाते हैं आप लोग? यहाँ पे खरीद नहीं होती है तो हरियाणा में जाना पड़ता है। तो आप क्या सरकार से डिमांड करते कि यहाँ भी होनी चाहिए? सरकार से डिमांड तो करते हैं, लेकिन सरकार कहाँ इतना धान खरीद। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पामता साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन की ओर से माँ शूलिनी मेले की समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पारंपरिक और आधुनिक आभूषणों का बेजोड़ संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन कम समय में ही प्रदेश के नामी आभूषण निर्माताओं में हो गया है शुमार। गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की बना पहली पसंद। यहाँ ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट। शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों के लिए सुनिश्चित उपहार। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता बताते हैं कि त्योहारों के सीजन में विशेष उपहार योजना के तहत दिए गए ढेरों इनाम। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन।